सिक्स क्लास ओपन योर बुक्स एंड नोटबुक्स पेज नंबर 22 यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2 है। आज हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 2। आज हमें एक्सरसाइज 2 है करनी है, ठीक है। आज हम उसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक स्टेटमेंट ट्रू। आप लोगों ने ये 6 ब्लैंक्स है, इसको कॉपी पे अच्छी तरह से नोट भी करना है नीटली और इसको सॉल्व भी करना है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर वो काउंटिंग नंबर होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। काउंटिंग नंबर स्टार्ट होते हैं, 0 से भी स्टार्ट होती है। 0 से जो स्टार्ट होते हैं उनको होल नंबर बोलते हैं, और जो 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसके बाद इवन नंबर्स डिविजिबल बाई 2। इवन नंबर वो होते हैं जो कि 2 पे डिवाइड हो जाए, और ऑड नंबर वो होते हैं कि कांट डिविजिबल बाई 2, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद जितने भी ग्रेटेस्ट डिजिट अगर हमने बनाना होता ना, अगर वो कहते हैं सबसे बड़ा डिजिट 1 डिजिट नंबर कौन सा है, 1 हिंसे वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो एक दफ़ा 9 लिख देंगे। 2 डिजिट बोलेंगे तो हम 2 दफ़ा 9 लिख देंगे। अगर 3 डिजिट बोलेंगे तो 3 दफ़ा 9, मतलब जितनी दफ़ा मतलब डिजिट जितने डिजिट पूछे जाएंगे, मतलब 4 डिजिट्स है तो 4 टाइम्स 9 लिख देंगे, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। तो फिर अगर वो स्मॉलेस्ट नंबर पूछते हैं तो सबसे छोटा नंबर तो हमारे पास 0 है, 1 डिजिट। 2 डिजिट में हमारे पास है 1 और 1 0, ये दोनों मिलाकर क्या बन गए, 2 डिजिट्स, तो ये सबसे स्मॉल डिजिट्स है, ठीक है। 3 डिजिट नंबर्स हैं, हम 1 लिखते हैं और 7 2 0 लगाते हैं 100, तो ये टोटल 1 2 3 डिजिट बन गए, तो ये 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होता है। अब आप लोग एक्सरसाइज में आओ, एक्सरसाइज आपका फर्स्ट है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज डैश। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा, अभी मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। तो इसका मतलब है कि स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा हमारे पास, 1। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज डैश। होल नंबर में अभी आपको बताया कि होल नंबर काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा नंबर आ जाएगा, 0। नेक्स्ट है आपके पास द स्मॉलेस्ट, थर्ड वन है द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट मैंने इज डैश। सबसे छोटा इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट कौन सा है, मैंने आपको बताया यहाँ पर हमने लिखा भी था कि 3 डिजिट वाला कौन सा है, 100। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 100। नेक्स्ट है आपके पास 4, द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर ऑफ 2 डिजिट इज डैश। ऑड नंबर 9 ऑड नंबर ही है ना, अब यहाँ पर उन्होंने 2 डिजिट्स पूछा है, तो 2 डिजिट वाला हमारे पास कौन सा है सबसे बड़ा नंबर, 2 दफ़ा 9, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 99। इसके बाद है आपका द ग्रेटेस्ट 5, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज डैश। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट मैंने आपको बताया था, जब 4 डिजिट जितने डिजिट्स पूछे जाएंगे आप ग्रेटेस्ट नंबर में क्या करोगे, उतने ही दफ़ा 9 लिख दोगे, तो ये 9 4 टाइम्स लिख दिया, अभी क्या बन गया, 9999, ये ग्रेटेस्ट डिजिट बन गया। इसके बाद द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर इज डैश। अब उन्होंने पहले हमने तो इवन नंबर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट लिख दिया था ना, ये तो इवन नंबर है, अब स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा होगा, 3 डिजिट, तो 101 ऑड नंबर है, तो ये सबसे छोटा 3 डिजिट ऑड नंबर है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो कॉपी पे अच्छे से नोट करना है, और कल हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।